हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शफ़क्स डायरी में खुश आमदीद। और आज फिर हम एक बहुत बेहतरीन सा व्लॉग लेकर आ गए हैं, जो है शॉपिंग का व्लॉग। और ये मैंने ईद पे बनाया था, और जितने भी आपको ड्रेसेस दिख रहे हैं ये सारे बहुत अच्छे थे, रिजनेबल, बिल्कुल 3,500 से 4,000 के बिटवीन ये सारे ड्रेसेस थे। लेकिन ये ईद की प्राइस थी। अगर अभी हम जाएंगे तो ये 2,500-2,500 में आराम से मिल जाएंगे। 3 पीस हैं, और आप देख सकते हैं इनकी स्टिचिंग देखें, इनका कपड़ा देखें। और क्वालिटी वाइज़ तो मैं ब्रांड से किसी का मुकाबला नहीं कर सकती। क्वालिटी आपको थोड़ी हल्की मिलेगी, लेकिन ये कि 3,000 में 3 पीस आपको सिला सिलाया कड़ा कड़ाया मिल रहा है, तो मतलब ये बोनस है कि इमीडिएट आपको कोई तकरीब करनी हो या कुछ ऐसा हो तो आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह बकरीद पे मैं शॉपिंग करूँगी यहाँ से, तो ज़रूर जो है वो आपसे शेयर करूँगी। फिर आ गई थी मैं यहाँ ज्वेलरी शॉप पर, ये है 150 की ज्वेलरी। और 150 में आप बेहतरीन किस्म की ज्वेलरी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये सारी जो है 150 की ज्वेलरी थी। और एक जो हार स्टार्ट में आया था, जो नीचे रखा हुआ था, वो मैंने ईद पे पहना है, जो 150 रुपीज़ का। इंशाल्लाह ईद व्लॉग्स भी आने वाले हैं, तो जो जो मेरे चैनल को देख रहा है सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और ज़रूर जो है वो मेरी ऑडियंस बनना है। काफ़ी लोगों के पास जो है मेरा व्लॉग जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जो लोग देखते हैं। तो ये मैं देख रही थी 150 की झुमकियाँ थी, ये हमारे पठान लाला की शॉप थी, और पठान लाला जो है वो फुल थोक में माल लाया हुआ था, फुल होलसेलर बना हुआ था। तो वो 150-150 के माला, बहुत अच्छे माला थे ये। और एज़ यूजुअल मेरे घर से करीब है ये मार्केट, तो मैं इसको एक्सप्लोर करती रहती हूँ, तो आप लोगों को भी बताती रहती हूँ कि भाई जिसका इस घर बफर जोन हारून शॉपिंग जो है वो करीब है, तो वो जाके कर सकता है। छोटे बच्चे मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, तो मैं यहाँ से काफ़ी शॉपिंग करती हूँ। तो बच्चों को लेके जाना, कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अच्छा जो आपके रेजिडेंस से करीब हो तो आप वहाँ से शॉपिंग कर लें। बाकी ये कि इतने सारे पेजेस अवेलेबल हैं ब्रांड्स के, आप वहाँ से शॉपिंग कर लें। तो मेरी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो यहीं से होती हैं, ये सब भी 150 में अवेलेबल है, आप कुछ भी यहाँ से अवेल कर लें। दीज ऑल आर थिंग्स आर इन 150। तो ये मुझे शॉप बहुत अच्छी लगी थी, और ईज़िली आपको वहाँ मिल जाएगी। दो भाइयों की पठान की शॉप है, जो ये सारा सामान लेकर आते हैं, और इस तरीके से उनके जो है वो रेट मुनासिब होते हैं, वो रिजनेबल होते हैं। तो मेन मार्केट है ये, आराम से आपको बफर जोन में मिल जाएगी, हर कोई जानता है इसको, बहुत वेल नोन है। तो यहाँ जो है वो मैं ईद की शॉपिंग कर रही थी, ये चांद रात का टाइम था। या बैंगल्स भी 150 के, ये इयररिंग्स देखे आपने 150 के। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार घर के कैजुअल कपड़े जो है ना वो मुझे लाजमी जो है घर में पहनने के लिए चाहिए, तो ये 1500 में 2 पीस में कवर कर रही थी। यहाँ जितने भी आपको दिख रहे हैं ये 1500 के 2 पीस हैं, ये सारे लॉन कॉटन पे बने हुए हैं, जो घर में आराम से हम पहने जा सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये भी। तो फिर मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया था, इंशाल्लाह उसका व्लॉग भी आने वाला है। 2,000 की शॉपिंग की थी, जो मेरे 3rd डे की शॉपिंग थी, और मैंने घर में पहनने के लिए नॉर्मल कैजुअल चाहिए था, तो यहाँ से मैंने खूसे भी लिए थे साथ में, जो है वो मैंने 1500 का 2 पीस लॉन कॉटन में मैंने 2 पीस भी लिया था। तो ये वाले जितने आपको ड्रेसेस दिख रहे हैं ये सारे जो है 1300 की भी एक दुकान थी 2 पीस की, और ज़्यादातर 1500 में थे, और ये सब मैं यहाँ कवर कर रही थी। मैंने कहा जो ऑडियंस मुझे देखेगी तो चलो उनके लिए आसानी है, बहुत सी लड़कियाँ कोचिंग जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, तो जाके वहाँ जाके अवेल कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी होती है, आप कोई भी दुपट्टा लगाओ इनके साथ जो है ब्लैक और वाइट में, और आप आराम से अपना पूरा सूट आपका रेडीमेड तैयार है, स्टिचिंग की कोई ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए, क्योंकि चलें भैया हमने आपको खूसे भी दिखाती हैं। तो मैं खूसे यहाँ कवर कर रही थी, मैंने ब्लैक कलर के खूसे लिए थे, और इन सब के प्राइस थे 400 रुपीज़। तो मैंने ये जो ब्लैक दिख रहा है ये मैंने लिया था, और मैंने अपने ड्रेस के साथ इसको पेयर अप किया। अब बस हम अल्लाह हाफिज़ की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।